आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से की बात, G20 अध्यक्षता समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम फ्रेंस्टिक्स ने भारत की पहलों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने 80 देशों के साथ बैठक की, सुरक्षा अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हुई बात। मणिपुर बीजेपी में सब ठीक नहीं, 15 दिन में 3 विधायकों का प्रशासनिक पदों से इस्तीफा, पार्टी ने बुलाई अहम बैठक। असम अरुणाचल के बीच सुलझा सीमा विवाद, शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने किया एमओयू पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंज लादे ने इमरान प्रतापगढ़ी को बताया राष्ट्र विरोधी, अतीक को लेकर कांग्रेस पर भी उठाए सवाल। अतीक हत्याकांड के बाद जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, छतों पर पत्थर हथियार रखने वालों की ड्रोन से निगरानी। अतीक अशरफ के हत्यारे सनी का परिवार 6 दिन से नजरबंद, लोग बोले बचपन से ही लूट करने लगा था। गोरखपुर में बाइक सवार को बचाने में डिवाइडर से टकराई टैक्सी, 2 की मौत, मां बेटा गंभीर। बरेली आगरा बलिया में फर्जी मान्यता पर चलते मिले संस्थान, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से फर्जी संस्था बनाए, फिर मान्यता बांटी, जांच शुरू। लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की समीक्षा, निर्माण की गति धीमी होने पर डीएम ने लगाई फटकार, तय समय में तैयार करने का निर्देश। उत्तराखंड के तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर खंगाला नाला के पास टूटा ग्लेशियर, चीन सीमा को जाने वाली सड़क बंद। चारधाम यात्रा से जुड़े रुद्रप्रयाग चमोली उत्तरकाशी जिले में यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम, 23 मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए। देहरादून के साहिया में बेखौफ वारदात, गुस्से में पति ने गड़ासे से गर्दन पर वार कर की पत्नी की हत्या। उत्तराखंड में 141 नए कोरोना संक्रमित मिले, 15% पहुंची संक्रमण दर। मसूरी में जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि, तापमान गिरकर 14 डिग्री पहुंचा। भारत की आबादी पर चीन बोला, संख्या नहीं क्वालिटी जरूरी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, हमारे 90 करोड़ लोग कामकाजी, इनमें टैलेंट भी है। यूक्रेन को समय पर हथियार नहीं दे पा रहा अमेरिका, यूएस की कंपनियों को रॉकेट मोटर बनाने में परेशानी, 17,000 करोड़ का है कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ताकतवर रॉकेट में लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद विस्फोट, 3 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप टुकड़ों में बटा, लेकिन इसका उड़ान भरना ही बड़ी कामयाबी। यूएस में बर्थडे पार्टी में फायरिंग, 6 सीएंस्टर्स की मौत, शूटर्स भी नाबालिग था। अमेरिका में इस साल मास शूटिंग के 139 घटनाएं। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी के इंस्टाग्राम हेड का अपहरण, अपदस्थ प्रधानमंत्री ने सैन्य प्रतिष्ठान पर लगाया आरोप। फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स के खिलाफ शैलेश लोढ़ा ने लिया लीगल एक्शन, एक्टर ने प्रोडक्शन हाउस पर केस किया, 1 साल बाद भी बकाया पैसा नहीं लौटाने का आरोप। कैजुअल लुक में नजर आई सुहाना खान, मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लू प्रिंट ड्रेस में आई नजर, द आर्चीज फिल्म से करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। पेपराजी को देख एयरपोर्ट पर दौड़ लगाने लगी सारा, ऑल ब्लैक लुक में हुई स्पॉट, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन।
महेंद्रगढ़ के मनीष के नाम एक और अवार्ड, फिल्म गांधी एंड कंपनी को बेस्ट निर्माता का अवार्ड, दिल्ली में मां ने किया ग्रहण। मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची परिणीति, राघव चड्ढा संग वेडिंग ट्यूबर्स के बीच हुए स्पॉट, कैमरे के सामने ब्लश करती दिखी एक्ट्रेस। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।